दोस्तों मैंने तुम्हें मेरे पहले वीडियो में एक्सपेंशन फार्मूलीज के बारे में मैंने कुछ फार्मूलीज तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखाई थी। आज उसके ऊपर हम लोग लेक्चर ले रहे हैं। उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 में कुछ जो क्वेश्चंस दिए उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के खास टेक्निक होती है, उसे थोड़ा सा समझ के ले लो। और अगर उसी ही टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो तुम उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दिया है, उसमें एक्सपांड ऐसा कहा है, तो हम लोग उससे चालू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वन एक्सपांड। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये बताया है कि सर हमें थोड़ा सा एक्सपांड मतलब प्रैक्टिस सेट 5.1 में जो क्वेश्चन दिए उसे थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। इसलिए मैंने पहले यही लेसन सिलेक्ट किया है जो तुम्हें अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों मैं पहले तुम्हें पहला क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करता हूँ और बारी बारी उसमें से जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए सब मिला के 9 क्वेश्चन दिए, उसमें से हम लोग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें थोड़ा अलग चेंज करके क्वेश्चन पूछे। तो पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, a प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट है a-1। देखो दोस्तों मैंने तुम्हें वही दिन बताया था कि दो अगर ब्रैकेट रहेंगे तो इसमें सॉल्व करने में बहुत आसान होता है। वो टेक्निक जो मैंने जो मेथड बताई थी वो हमेशा इस्तेमाल करो। तो क्या थी, देखो पहले हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट की पहली टर्म लेते हैं ये, और उसे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं a-1। अभी पहली टर्म हो गई, अभी जो दूसरी टर्म बची है उसे हम लोग आगे लेते हैं +2 और उसे फिर वही a-1 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमें यहाँ पे सॉल्व करने का है। जब तुम मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ज़रा याद रखना है तुम्हें कि जो एक सिस्टम होती है, जो एक मेथड होती है उससे सॉल्व करो, ताकि तुम्हारे जो आंसर्स थे वो थोड़े से अच्छे दिखते और जो तुम्हारे एग्जाम में चेक करते हैं पेपर उन्हें भी थोड़ा आसान होता है समझने के लिए। देखो अभी मैंने तुम्हें वो दिन भी बताया था, जब यहाँ पे ए मल्टीप्लाई ए है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं या दो कोई भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते तो वो स्क्वायर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए मल्टीप्लाई -1 -a, यहाँ पे अभी पहला ब्रैकेट और ए इसका मल्टीप्लिकेशन पूरा हुआ है। अभी हम लोग दूसरा ब्रैकेट मतलब a-1 और +2 इसे कंप्लीट करते। तो यहाँ पे देखोगे तो +2a, तुम्हें पता है दो टर्म अगर प्लस रहेंगी तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 × a 2a। अभी दूसरी टर्म जो है +2a और -1 है, इनका मल्टीप्लिकेशन देखो जो मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन के रूल है वो कभी भूलना नहीं है तुम्हें। दो टर्म अगर रहेंगी तो दोनों में से एक टर्म अगर माइनस रहेगी तो आंसर माइनस ही आता है। यहाँ पे देखो 2 है प्लस और यहाँ पे 1 है माइनस, तो एक नंबर प्लस है हमारा, दूसरा नंबर माइनस है, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस ही रहेगा। तो माइनस 2 × 1 यहाँ पे आएगा, 2 × 1 = 2। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग आगे करते हैं। देखो तो यहाँ पे ए स्क्वायर, दूसरी एक्स स्क्वायर टर्म इसमें है नहीं, इसीलिए मैं ए स्क्वायर टर्म ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पे देखो 2a और यहाँ पे -a, अगर देखो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा लेकिन एक टर्म माइनस है, इस वजह से 2a से -a अगर हम निकाल देते हैं तो 2a में से एक a जाता है तो a बचता है, तो मैं यहाँ पे a लिखता हूँ। दोनों में से पहला देखना है तुम्हें कौन सी टर्म बड़ी है, तो यहाँ पे 2a बड़ी है और इसके लिए साइन कौन सा है, प्लस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखेगा, प्लस। और इसमें वहाँ पर ये जो टर्म है -2, ये -2 के लिए दूसरी कोई टर्म नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट -2 लिखेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आता है a² + a - 2। तो आसान रहता है, थोड़ा सा
अच्छे से सोच के कैसे मेथड मैंने इस्तेमाल किए अगर वो देखोगे तो तुम इस तरह से उसी प्रैक्टिस सेट में और भी कुछ क्वेश्चन है वो तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया तुम्हारा, ए प्लस टू ए माइनस वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू। देखो एग्जाम में अगर तुम्हें इम्प्रेसिव करना है तुम्हारे एग्जामिनर को तो तुम्हें थोड़ा सा अपटेट में करना चाहिए, बॉक्स बना के आंसर लिखना चाहिए ताकि उन्हें आंसर फटाक से समझ में आता है, तुम्हें अच्छे मार्क मिल जाते हैं। तो हम लोग इसी प्रैक्टिस सेट में जो और एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, उसमें साइन थोड़े से अपोजिट किए हैं, तो वो भी देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर फोर, देखो ये क्वेश्चन नंबर फोर जो है, सभी क्वेश्चन तुम्हें मैं सॉल्व करके दूंगा, लेकिन मैं पहले तुम्हें जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है वो सॉल्व करके दूंगा, और सिमिलर जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं वो तुम सॉल्व करके देख सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड फोर्थ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये है तुम्हारा 13 + x 13 - x। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी वही टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी बताई है। तो पहला मैं पहले टर्म लेता हूँ 13, उसे सेकंड ब्रैकेट से 13 - x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे बंद में प्लस एक्स लेते हैं और उसे हम सेकंड ब्रैकेट मतलब 13 - x से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो मैंने कहा था कि 13 13 झा, अभी 13 का स्क्वेयर क्या होता है, 13 का स्क्वेयर जो होता है वो 169 होता है। तो यहाँ पे 169 13 मल्टीप्लाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस, एक नंबर तुम्हारा पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आता है, इसीलिए आएगा 13 और यहाँ पे एक्स आएगा। यहाँ पे देखो प्लस है, दोनों भी टर्म प्लस है, एक्स भी प्लस है 13 भी प्लस है, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों भी नंबर प्लस रहेंगे या दोनों भी टर्म प्लस रहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस ही आता है। तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई एक्स आएगा प्लस 13x और लास्ट जो टर्म बची है तुम्हारी x मल्टीप्लाई माइनस एक्स, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव तुम्हारा सिंबल आएगा माइनस और x मल्टीप्लाई एक्स तो आएगा एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो ऐसा लिखना है तुम्हें 169 माइनस, अभी देखो यहाँ पे माइनस 13x प्लस 13x दोनों, एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट में जो टर्म है एक्स स्क्वायर ये बचेगी। तुम्हारे आसानी के लिए तुम एक्स स्क्वायर आगे भी लिख सकते हो लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा और प्लस 169 दोनों भी आंसर तुम लिख सकते हो जैसे तुम्हारे स्कूल में बनाए दिए तो उसमें कोई गलत नहीं होता है, तुम दोनों भी आंसर वही होते। यहाँ पे ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर देखो 13 + x 13 - x = - x² + 169। तो इस तरह से हम लोग ने दूसरा भी क्वेश्चन पूरा किया। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। अभी इसमें 7th, 8th और 9th ये तीन क्वेश्चन जो थोड़े अलग तरीके के हैं वो भी मैं तुम्हें इसमें से एक क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और बाकी दो जो है वो भी उसी प्रकार तुम्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 8th नंबर का जो क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो 8th क्वेश्चन है देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स सेकेंड ब्रैकेट। तो अभी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखो वही जो मेथड मैंने इस्तेमाल की थी, पहला जी टर्म है वो लिखनी है तुम्हें, पहले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, दूसरा ब्रैकेट एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, अभी जो बचती है दूसरी टर्म वो लिखनी है तुम्हें प्लस वन डिवाइड बाय एक्स और उसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ पे जो ये जो टर्म्स है वो एक बार तुमने मल्टीप्लाई कर लिए तो अभी तुम्हें ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करना है। तो ये सेकंड स्टेप है, याद रखो एक्स मल्टीप्लाई एक्स होता है एक्स स्क्वायर। अभी पहले टर्म से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, अभी एक्स मल्टीप्लाई माइनस
वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ए टर्म प्लस है, ए टर्म माइनस है, तो आएगी माइनस एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स। ये जो माइनस है ए प्लस को मल्टीप्लाई होने के बाद एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव मल्टीप्लीकेशन आएगा निगेटिव, तो निगेटिव। अभी एक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट कंप्लीट होगा, अभी हमारा वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट है। तो पहला देखो दोनों भी टर्म देखो, वन अपॉन एक्स ए भी पॉजिटिव टर्म है और ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है एक्स वो भी पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन में हमें लिखना पड़ेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस। अभी देखो यहाँ पे एक वन अपॉन एक्स टर्म है वो पॉजिटिव है और दूसरी वन अपॉन एक्स टर्म वो निगेटिव है। एक टर्म पॉजिटिव दूसरी टर्म निगेटिव रहेगी और उसका मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो वो आता है माइनस। सो माइनस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स। तो अब हम इसे क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है ये टर्म एक्स मल्टीप्लाई है वन अपॉन एक्स है मतलब है क्या, तो क्या करना है। तो देखो थोड़े से अच्छे से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस, तो ये जो x होता है वो 1 को मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे x अपॉन x। और अभी देखो प्लस ये जो x है वो इसे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x अपॉन x। और माइनस अभी देखो ये 1 मल्टीप्लाई 1 ये फ्रैक्शन है, जैसे कि हमें पता है लाइक फ्रैक्शन रहेंगे तो हम लोग न्यूमरेटर की टर्म मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर की टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई 1 1 और x मल्टीप्लाई x x स्क्वायर। अच्छी तरह से देखोगे चारों भी टर्म्स की तरफ तो तुम्हें समझेगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दोनों भी क्या हो जाएंगी कैंसर। यहाँ पे बचेगी एक्स स्क्वेयर ए माइनस और यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो देखो दोस्तों एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो ये तुम्हारा आंसर रहेगा। तो आसान होता है, खाली तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर होना चाहिए, जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती है उसका साइन कौन सा है, प्लस है या माइनस, और उस रूल से तुम्हें क्या करना पड़ता है सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें तीन क्वेश्चन जो सॉल्व करके दिखाया है, जो तीनों भी क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के सॉल्व किए, जो तुम इसे देख के बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग ये जो मैं तुम्हारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 यहाँ पे रुकवाता हूँ, इसके बाद में 5.2 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है मैं वो चालू करता हूँ, पर तुम्हें उसके बारे में भी थोड़ा सी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 अभी कंप्लीट किया, अभी मैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो उसमें जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट उसका जो दूसरा क्वेश्चन है मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। 7x प्लस 8y ब्रैकेट क्यूब, अगर तुम अच्छे तरह से देखोगे यहाँ पे ब्रैकेट क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो इसके लिए मैं पहले वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। फॉर्मूला देखो a क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो आसानी फॉर्मूला, थोड़ा सा अच्छे तरह से याद रखोगे तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा कि टर्म्स कुछ इक्वल है और आसानी से तुम याद रख सकते हो। अभी हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है उसे लिखते हैं 7x प्लस 8y ब्रैकेट क्यूब, इसे लिखते हैं। और अब ये दो ब्रैकेट जो है यहाँ पे एक ब्रैकेट है a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब और दूसरा है 7x प्लस 8y ब्रैकेट क्यूब, इसे कंपेयर करते हैं तो हमें ये मिलता है कि a की जो वैल्यू है वो है 7x और b की जो वैल्यू है वो है 8y। तो हमें a और b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूले का जो ब्रैकेट है उसे कंपेयर किया हमारे क्वेश्चन के ब्रैकेट से, तो हमें a की वैल्यू 7x और b की 8y मिली है। अभी हमारे फॉर्मूले में जहाँ पे भी a और b है वहाँ पे हमें वो a जो दो वैल्यू मिली है हमें उसे डाल के उसे सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा आसान होता है लेकिन प्रॉब्लम आती है कि क्यूब की और स्क्वायर की, वो तुम्हें अच्छी तरह से बाहर करना चाहिए, नहीं तो तुम्हें वो मल्टीप्लाई करके भी मिल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके तुम्हें मिलेंगे लेकिन वो थोड़े टाइम ज़्यादा लेते हैं और उसमें तुम्हारे पेपर के कुछ क्वेश्चन भी छूट सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू जो मिली हमें ए और बी के, वो डाल के इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये देखो ए क्यूब का मतलब होता है 7x³ + 3, ए स्क्वायर का होता है 7x² + मल्टीप्लाई बी है तुम्हारा 8y + 3, ए है तुम्हारा 7x और बी है तुम्हारा 8y² + तुम्हारा बी है 8y³। तो यहाँ पे मैंने सभी ए और बी की वैल्यूज अंदर डाल के यहाँ पे सेकंड स्टेप बढ़ा दिए। अभी उसे भी हम लोग एक्सपांड करके देखो, 7³ होता है 343x³ + अभी यहाँ पे मैं 3 ऐसे ही लिखेगा, 7² होता है मल्टीप्लाई 49x² और मल्टीप्लाई 8y, ओके, प्लस 7 × 3 एक्स मतलब होता है 21x और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 8² मतलब 64y² प्लस 8³ होता है तुम्हारा 512y³। तो ये तुम्हारी सेकंड थर्ड स्टेप हो गई जो तुम्हें ये ब्रैकेट सॉल्व करने उसे एक्सपांड करना है। अभी अभी भी कुछ टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन वो परफेक्ट आंसर पे नहीं गई, तो वो भी हम लोग देखते हैं। तो ये है तुम्हारा पहले टर्म, लेकिन इसमें तुम्हें x³ की कोई भी टर्म नहीं दिखाई देती, इसलिए मैं उसे ऐसे लिख देता हूँ 343x³ + अभी यहाँ पे तीन नंबर देखो 349 और 8, तीनों को भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 × 3 = 24, 24 × 49, तो मैं यहाँ पे 49 × 23 करता हूँ, तो 9 × 3 = 27, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे 8 × 3 = 24 होता है, देखो सॉरी 24, 9 × 4 = 36 होता है, 9 × 4 = तो इसमें 6 लिखेगा और ये 3, 4 × 4 = 16 + 3 = 17, 18, 19 और यहाँ पे 9 × 2 = 8, 8 कैरी हो जाएगा, 4 × 2 = 9, 2 = 18, 1 कैरी 8 और 4 × 2 = 8 और 1 = 9, तो ये 6, 8 + 9 होता है 17, 1 9 + 1 = 1176, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे 1176। अभी यहाँ पे दो वेरिएबल है मतलब x² है, उसे x² ऐसे लिखो और y क्योंकि इसमें तो कोई मल्टीप्लिकेशन होने वाला नहीं है। अभी बचा है तुम्हारा जो अगले जो दो टर्म्स है वो बची है, अभी उसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं और फिर आगे जाते हैं। 64 है, 64 × 21, तुम्हें पता है 1 से 64 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा 64, और 2 से करोगे तो 4 × 2 = 8 आएगा और 4 × 6 = 12, तो ये होता है 8 + 6 = 14, ये 4 1 3 और 1, तो ये आता है 1 3 4 4, यहाँ पे x है तो x ऐसे आएगा मल्टीप्लाई y² है तो y² आएगा प्लस ए टर्म अकेली है क्योंकि वहाँ पे y³ की एक भी टर्म नहीं है, तो आएगा 512y³। तो ये है हमारा आखिरी आंसर जिसमें हम लोग देखते हैं 343x³ + 1176x² + 1344xy² + 512y³, तो ये तुम्हारा आखिरी आंसर है जो तुम्हें ए टर्म सॉल्व करके मिलेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, टर्म भी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है और उसमें क्यूब होते हैं, इसीलिए तुम्हें क्यूब और स्क्वायर की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इसमें हमें और एक क्वेश्चन लेता हूँ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा सा अलग है, फिर वो सॉल्व करने के बाद हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट में जो 52 जो है 52 क्यूब, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसी प्रैक्टिस सेट का जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का है, इसे भी हम लोग मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि वो तुम्हें एग्जाम में आ सके। तो यहाँ पे मैं ये 52 ब्रैकेट क्यूब ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो 50 + 2 ब्रैकेट क्यूब, तो एक ही होता है 50 + 2
करेगा तो तुम्हें 52 ही होता है और ब्रैकेट क्यों, तो हमें इससे सॉल्व करना है। तो मेरा क्वेश्चन अभी हो गया है 50 प्लस 2 ब्रैकेट क्यू। अगर मैं इसे मेरे फॉर्मूले से कंपेयर करता हूँ तो ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, तो मुझे मिलते हैं यहाँ पे 50 प्लस 2 क्योंकि जो a की वैल्यू मुझे मिलती है 50 और b की वैल्यू मिलती है 2। और अभी जहाँ जहाँ पे भी a और b है वहाँ पे मुझे a की वैल्यू 50 डालनी है और b की वैल्यू 2 डालनी है, उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू है 50 का क्यूब हो गया प्लस 3 50² मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 हो गया प्लस 3 50 प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 क्यूब स्क्वायर हो गया प्लस b 2 क्यूब हो गया। तभी मैंने यहाँ पे a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, 50 का क्यूब है। अभी 50 का क्यूब का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तीन बार तुम्हें 5 को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में तुम्हें 0 डालने दो। तो दो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 5 25 25 मल्टीप्लाई 5, तो होता है 125। और यहाँ पे 3 है क्यूब है इसीलिए 0 में यहाँ पे रहेगा 1 2 और 3। तो यहाँ पे तुम्हें क्यूब निकालते बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटा नंबर रहेगा तो उसका क्यूब बनाओ और आगे के जितने 0 होते हैं वो ऊपर कितना नंबर है उतने 0 उसके आगे तुम रखोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाती है। प्लस यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई 5 5 स्क्वायर कितना होता है 25 और यहाँ पे 2 है तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 0 लगाएगा मल्टीप्लाई हो गया 2 प्लस यहाँ पे 5 2 5 3 होता है 150 मल्टीप्लाई 4 और 2 का क्यूब होता है 8। तो अभी तुम्हें ये सभी स्क्वायर और क्यूब की वैल्यू मैंने सॉल्व कर दी तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बनेगा 125000 प्लस यहाँ पे 25 3 25 3 कितना होता है देखो 7500। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है और भी तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 4 60 ओके और ऊपर का 1 0 प्लस 8। अभी मुझे खाली इतना ही सॉल्व करना बाकी रह गया तो वो भी मैं कर देता हूँ 125000। देखो यहाँ पे भी हम लोग ये कर सकते थे लेकिन तुम्हारे समझने के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। यहाँ पे 75 2 होता है 150 और ऊपर के 2 0 होते हैं यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लीकेशन में काउंट नहीं किए थे। देखो कैसा करना है एक बार बताता हूँ मैं तुम्हें, 0 0 होता है बराबर है। अगर तुम ये 2 0 नहीं लेते हो और खाली 2 ही लेते हो तो 5 2 10 0 1 2 4 14 7 2 14 1 50 और ऊपर के जो 2 0 होते हैं वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो। इस हिसाब से तुम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर 2 0 दे सकते हो प्लस 600 प्लस 8। अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एडिशन है थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो तुम रफ वर्क में इसे 125000 1500 600 और 8 ऐसा तुम एडिशन कर सकते हो और फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। ए 8 हो गया, ए 0 हो गया, ए 6 हो गया, 5 प्लस 5 0 हो गया, 1 हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 4 और ये हो गया 1 1 4 0 6 0 8 1 4 0 6 0 8। तो ये हो गया तुम्हारा 52 क्यूब का। तुम बोलो तुम ये भी सोचते होगे कि हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्या इसकी वैल्यू, जैसे कि 52 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 52, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है। 52 मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम और वापस उसे 52 करोगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में डिफिकल्टीज आ सकती है, इसीलिए तो ये फॉर्मूलेज बनाए हैं ताकि तुम्हें थोड़ा आसान हो जाए और छोटे छोटे नंबर के स्क्वायर और क्यूब तुम निकाल के इसे सॉल्व कर सकते। अभी यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ वो थोड़ा डिफिकल्ट है और इसे तुम्हें अच्छे से समझना है ताकि अगर वो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे उसे छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो सॉल्व करने में लंबा है और समझने में भी थोड़ा डिफिकल्ट है।
ठीक है, अभी मैं तुम्हें लास्ट जो क्वेश्चन है उसे क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। दोस्तों 5.2 प्रैक्टिस सेट में जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं अब सॉल्व करके दे रहा हूँ तुम्हें। देखो एक क्वेश्चन जैसे 5x/y + y/5x³। तो जैसे कि मैंने मेथड बताई है तुम्हें, अब पहले तुम्हें लेना है तुम्हारा फॉर्मूला a+b(q), इसका वापस तुम्हें इसे बाहर करना रखना पड़ेगा क्योंकि इसके सिवा तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इसका एक्सपांशन है a³+3a² b+3ab² + bq। दोनों ब्रैकेट को कंपेयर करना है और ए और बी की वैल्यू तुम्हें अलग से लिखनी है, जो तुम पेंसिल से भी साइड में लिख सकते हो तुम्हारे समझने के लिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है तुम्हारी 5x/y और बी की जो वैल्यू है तुम्हारी वो है तुम्हारी y/5x। अभी सेकंड स्टेप मैंने तुम्हें बताई थी वो थी कि हर एक जगह पे जहाँ पे ए है वहाँ पे तुम्हें और बी है वहाँ पे तुम्हें ए की और बी की वैल्यू डालनी है। तो देखते हैं हम लोग अभी 5x/y³ + 3 5x/y² + b की वैल्यू तुम्हारी y/5x^3। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे तरह से देखो। देखो यहाँ पे 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब का मतलब होता है 5 × 5 × 5, इसका मतलब 125। अभी मैंने बताया था तुम्हें 125। एक्स क्यूब होता है x³ और यहाँ पे डिवाइड बाय y है तो y³, क्योंकि ब्रैकेट का क्यूब है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती है वो सभी का क्यूब होता है। इसलिए मैंने 5 का क्यूब लिया, x का क्यूब लिया और y का भी क्यूब लिया। अभी आगे जाते हैं +3, ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, मैं ब्रैकेट में ही कंप्लीट करता हूँ उसे। 5² होता है 25, x² होता है x² डिवाइड बाय y है तो आएगा y², ब्रैकेट कंप्लीट। और अब नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में है y/5x, इसे कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं, इसलिए सिंगल टर्म है। अभी आगे आते हैं +3 है, इसे मैं ऐसे रखता हूँ और वहाँ पे 5x/y। और अभी देखो यहाँ पे जो टर्म्स है उसका स्क्वायर, इसलिए ब्रैकेट के हर एक टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो y² 5² 25 और x² हो जाएगा x² ब्रैकेट कंप्लीट प्लस लास्ट वाला ब्रैकेट। लास्ट वाला ब्रैकेट में देखो y³ है, तो इसका मतलब y³ हो गया 25³। अभी मैंने दिखाया तुम्हें 125 और x³ का x³। तो यहाँ पे तुम्हारा a ब्रैकेट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो अभी यहाँ तक तुम लोग ने सॉल्व किया हमने, तो देखो इसके बाद में भी और स्टेप्स है, वो भी मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ। ये सिंगल टर्म से इसलिए ऐसे लिखो 125x³/y³ + अभी यहाँ पे अगर तुम ब्रैकेट सॉल्व, मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके बाकी की टर्म कैसी कैंसिल होती है वो दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो देखो ये 3 मैं ऐसे रख रहा हूँ मल्टीप्लाई 25x² / y² × y/5x + 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5x/y × 25x² + y³/125x³। अभी देखो कुछ टर्म इसमें ऐसी है जो कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे को। देखो यहाँ पे 5, क्योंकि ये पूरी टर्म एक ही है, ये प्लस साइन से यहाँ पे ये प्लस साइन के बीच में सभी एक ही टर्म है। तो न्यूमरेटर को जो टर्म्स है और डिनोमिनेटर को टर्म है और दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग इसका इस मेथड का इस्तेमाल करके देखो, यहाँ पे 1y है और यहाँ पे 2y है, तो मैं इसमें से एक कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 कैंसिल करके यहाँ पे 1x बचेगा। यहाँ पे 5 है, 5 1 और 5 5। अभी यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो गई है,
तो हम लोग आगे जाते और दूसरे टर्म के बारे में देखते हैं, सेकंड टर्म। यहाँ से प्लस से लेके यहाँ तक वापस वन टू थ्री, थ्री टर्म्स है, ये भी एक दूसरे को कैसे कैंसिल करते हैं। यहाँ पे एक वाई है तो ये वाई, ये दो वाई में से कैंसिल, यहाँ पे एक वाई बचेगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे दो एक्स है, यहाँ पे एक एक्स बचेगा, अरे फाइव वन जा और फाइव फाइव जा। अभी यहाँ पे जितने भी टर्म बचे मैं तुम्हें आराम से एक एक करके बता रहा हूँ, देखो ये अगली तुम्हारी, ये तो ये टर्म ऐसे के ऐसे रहेगी, 125x³/y³ प्लस, अभी यहाँ पे थ्री वैसे थ्री नंबर वो भी रहेगा, थ्री मल्टीप्लाई यहाँ पे है फाइव और यहाँ पे एक एक चला गया, एक्स एक्स बचा है और वाई चला गया है, और नीचे आता है तुम्हारा यहाँ पे एक वाई प्लस यहाँ पे है थ्री और यहाँ पे है एक वाई, यहाँ पे फाइव चला गया है, एक्स भी चला गया, यहाँ पे एक वाई बचा है, तो ये थ्री वाई डिवाइड बाय ए फाइव और यहाँ पे एक्स एक्स चला गया इस एक्स के साथ, तो यहाँ पे एक्स रहता है, तो ये हो गया फाइव एक्स, तो ये हो गया फाइव एक्स। तो अभी देखो और लास्ट टर्म भी वैसी रहेगी, वाई क्यूब डिवाइड बाय 125 एक्स क्यूब। अभी देखो लास्ट तुम्हारी स्टेप है जो तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट आंसर में लिखना है, 125 एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाई क्यूब प्लस, इसे कुछ भी ये टर्म अकेले ऐसे रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये ऐसे रहेगी, इसमें फाइव थ्री जा होता है 50 एक्स डिवाइड बाय वाई, यहाँ पे होता है थ्री वाई डिवाइड बाय फाइव एक्स और यहाँ पे होता है वाई क्यूब डिवाइड बाय 125 एक्स क्यूब। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ है। देखो ये बहुत सारी स्टेप्स हैं, अरे बहुत सारी स्टेप जो होती है वो तुम्हें कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सभी स्टेप जो है एक एक करके तुम्हें सॉल्व करनी है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन अगर तुम आराम से वीडियो को देखते हो तो तुम्हें नीचे की डिनोमिनेटर के टर्म न्यूमिनेटर के टर्म को कैसे कैंसिल करते हो समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर वन और प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 और 5.2 जो हम लोग ने अभी देखा है इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिए हैं, और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं घर पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई आपको इसमें डाउट है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मैं तुम्हें अगले वीडियो में कोशिश करूँगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देने की, नहीं तो 5.3 और 5.4 हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ये तुम्हारा लेसन में यहाँ पे पूरा करूँगा। तो इसके साथ मैं गुड बाय कहता हूँ, जय महाराष्ट्र।